हेलो साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं मेरे सभी साथी, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और उसके बाद जितनी भी आज की चीजें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे सभी साथी जो मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार फटाफट से आ जाइएगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक जो क्लास है आप लोगों की, इस क्लास का टाइमिंग जो है एवरी सैटरडे रात को 9:30 बजे मैं आपको 100 क्वेश्चन कराता हूँ करंट अफेयर के। करंट अफेयर के वो 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आप लोगों के 2021, 2020, 2022 सभी क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो मिसलेनियस तौर पे मिले हुए हैं। तो चलिएगा सेशन को एक बार जो है शुरू कर लिया जाए और बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी है। कोई साथी अगर आपको किसी को तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाली जो क्लास है आप लोगों की, ये आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, चाहे आपका टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आप लोगों का DSSSB का एग्जाम हो, चाहे आप लोगों का KVS का एग्जाम हो, चाहे आप लोगों का आने वाला सुपर टेट का एग्जाम हो दोस्तों, ठीक है, या फिर आप लोगों का कोई भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम हो जहां जहां पे करंट अफेयर पूछी जाती है, तो ये क्लास आप लोगों की बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा जो मेरी क्लासेज हैं रेगुलर, सुबह सात बजे डेली करंट अफेयर जो चलता है वो SSC डाउटनेट चैनल पर चलता है, और डेली सुबह 12 बजे, दोपहर के 12 बजे स्टैटिक GK जो है वो भी आप लोगों का SSC डाउटनेट चैनल पर चलता है। मतलब SSC डाउटनेट चैनल पर मैं रेगुलर आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो आप लोग वहां भी मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। बाकी एवरी सैटरडे 9:30 बजे मैं आप लोगों को यहाँ पे मिलूंगा ही मिलूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिएगा सेशन को शुरू किया जाए, और शुरू करने के साथ ही बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ में डिस्कशन करना है। तो गुड इवनिंग अमित कुमार, गुड इवनिंग दोस्तों। किस बैंक ने अबेकस 2.0 नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये कौन सा बैंक है जिसने अबेकस 2.0 नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को कि भैया जो हमारा क्या कहते हैं, आजकल सारी की सारी चीजें डिजिटल में हो रही है, तो नया जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो किया है मेरे दोस्तों RBL बैंक ने। किसने किया है? RBL आप लोगों का जो बैंक ने किया है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई अगर किसी तरह का डाउट है तो आप लोग जो है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा जल्दी से। बाकी अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो ये जो RBL बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को कहां पे मिलेगा? मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर आप लोगों को RBL बैंक का। दूसरी चीज जो है, RBL बैंक के नए MD और CEO बनाए गए हैं, नए MD और CEO बनाए गए हैं, तो उनका नाम दोस्तों क्या है? राजीव अहूजा है। क्या है? राजीव अहूजा है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। राजीव अहूजा RBL बैंक के नए MD CEO है। अमित कुमार बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? तो ये जो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है ये कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 21 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर या 16 अक्टूबर। तो ध्यान रखिएगा जो आंसर बनेगा वो 20 अक्टूबर को बनेगा। ऑस्टियोपोरोसिस मेरे दोस्तों आप लोगों का जो है बोन से रिलेट करता है, मतलब हमारी हड्डियों से रिलेट करता है, ठीक है। अगर मैं 20 अक्टूबर की ही बात करूंगा तो 20 अक्टूबर को हम मेरे दोस्तों आप लोगों का जो शेफ होता है बावर्ची, ठीक है, तो बावर्ची डे भी हम कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को मनाते हैं। तो 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस डे है, 20 अक्टूबर को ही हमारा बावर्ची वाला दिन है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों का, अगर सभी जगह में बात करूंगा तो जो पुलिस कोमेमोरेशन डे है, पुलिस स्मृति दिवस है, ये हमारा 21 अक्टूबर को हर बार मनाया जाता है, जिसके बारे में आपको सारी चीजें जो है ध्यान रखनी है। तो 21 अक्टूबर क्या है हमारा? जो 21 अक्टूबर है वो हमारा मेरे साथियों आप लोगों का पुलिस कोमेमोरेशन डे है। 2021 में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब क्या विषय क्या था? तो ये तो अभी मैंने ऑस्टियोपोरोसिस डे आप लोगों को बताया है, इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो थीम थी आप लोगों की, सर्व अप बोन स्ट्रेंथ आप लोगों का। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये बोन से रिलेट करता है, तो सर्व अप बोन स्ट्रेंथ मेरे दोस्तों यहां पर क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस की थीम है जो आपको ध्यान में रखनी है। अंतरराष्ट्रीय रसोईया दिवस, इसका मेरे दोस्तों थीम क्या था? तो मैंने बताया था कि जो इंटरनेशनल सेफ डे है, बावर्ची दिवस है, ये भी आप लोगों का 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर इसकी थीम आपसे पूछेंगे तो क्या बनेगी मेरे दोस्तों? हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर, हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर, ये आप लोगों की थीम है।
तो इंटरनेशनल सेफ डे की जो थीम बनेगी वो हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर आप लोगों की जो है वो बनेगी। इस चीज को आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना है। दोस्तों भवानी देवी, तो भवानी देवी का नाम आप लोगों ने ओलंपिक में सुना होगा, कौन से ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। तो जो हमारे ये टोक्यो ओलंपिक है इसमें भवानी देवी का नाम आपने सुना होगा। तो दोस्तों भवानी देवी जो है वो आप लोगों की किस गेम से है, तो जब हम भवानी देवी के बारे में बात करेंगे तो वो आपकी फेंसिंग कहां से है, तलवारबाजी है। तो भवानी देवी जो है वो तलवारबाजी से है, तलवारबाजी से है, इन चीज को याद में रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सीके गौतम, देवेंद्र, अमित कुमार और अमित कुमार दोनों, ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो बनेगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है, मतलब हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका तो हेडक्वार्टर है आप लोगों का कहां पे, गुरुग्राम के अंदर, कहां पर है, गुरुग्राम का। अभी मेरे दोस्तों इसका जो 102 नंबर का मेंबर है डेट इज एंटीगुआ और बारबूडा, क्या है, एंटीगुआ और बारबूडा। तो एंटीगुआ बारबूडा जो बना है इसका 102 नंबर का मेंबर बना है। अब आपसे पूछा जा रहा है अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो है वो पावर मिनिस्टर है, उनका नाम है मेरे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो ये आप लोगों का क्या बनेगा, आर के सिंह बनेगा, जो हमारे पावर मिनिस्टर है। जबकि अजय माथुर जो है वो हमारे डायरेक्टर जनरल है। अगर आपको ISA के डायरेक्टर जनरल पूछे जाएंगे तो आप लोग मेरे दोस्तों क्या बताएंगे, तो आप लोग यहां पर जो बता देंगे मेरे दोस्तों वो बता देंगे अजय माथुर डायरेक्टर जनरल, और अध्यक्ष जो है वो आप लोगों के अलग अलग हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये भवानी देवी कहां से हैं, तो दोस्त ये भवानी देवी जो है आप लोगों की ये चेन्नई तमिलनाडु से हैं। कहां से हैं, चेन्नई तमिलनाडु से, मतलब जो हमारा पिछला क्वेश्चन था भवानी देवी वाला, ये कहां से है, ये हमारी तमिलनाडु से है, चेन्नई से, जहां से मरियप्पन थंगावेलू है, ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक्सरसाइज हुई थी और ये एक्सरसाइज कम मेरे दोस्तों एक कंपटीशन टाइप था, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने नंबर वन जो पोजीशन थी वो हासिल की थी। तो एक एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल, तो कैम्ब्रियन पेट्रोल जो एक एक्सरसाइज है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, जिसको आयोजित करने वाला कौन था, जिसको आयोजित करने वाला यूके था, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, तो आगे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को डिस्कस करने को मिलेंगी, ठीक है। कोई डाउट किसी तरह का होगा तो जरूर मुझे आप लोग जो है बता देंगे। दोस्तों एक राज्य है, उस राज्य ने एक योजना चलाई, ठीक है, मेरा घर मेरे नाम। तो मेरा घर मेरे नाम एक स्कीम है, क्या है, मेरा घर मेरे नाम जो है एक स्कीम है मेरे दोस्तों। और इस योजना को मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो किसने इस योजना को शुरू किया है, ठीक है, किसने इस योजना को शुरू किया है, तो ये शुरू किया है पंजाब सरकार ने। किसने शुरू किया है, पंजाब सरकार ने। और पंजाब सरकार में जो मंत्री हैं आप लोगों के वो कौन है, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री, तो वो है चरणजीत सिंह चन्नी। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और पंजाब के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुदूर गांव को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य ने प्रशासन गांव के संघ एक अभियान शुरू किया है। तो जो गांव आप लोगों की रिमोट विलेज है उसमें सरकारी सेवाएं प्रदान करनी है, और सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए जो प्रशासन गांव के संघ है एक अभियान चलाया है, किसने चलाया है, राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है। जबकि यहां पे आप लोगों के जो राज्यपाल है उनका नाम है कलराज मिश्रा, क्या नाम है, कलराज मिश्रा। अगर कोई पूछेगा कि महिलाओं के लिए इंदिरा उड़ान योजना, तो जो इंदिरा उड़ान योजना है वह भी मेरे दोस्तों किसकी है, वह भी आप लोगों की राजस्थान की है। तो इंदिरा उड़ान योजना जो है वह भी आप लोगों की जो है किसकी है साथियों, तो वह भी आप लोगों की जो बनेगी आपके राजस्थान की ही बनेगी। दोस्तों रेबीज मुक्त गांव में गोवा का नंबर वन स्थान है। अगला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने रियल एस्टेट विकास के लिए, तो रियल एस्टेट तो आप समझते ही हो मेरे दोस्तों, ये जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए दुबई के साथ में समझौता किया है, तो जो दुबई के साथ में समझौता किया है रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए वो आप लोगों का आ जाएगा जम्मू कश्मीर ने। और जम्मू कश्मीर में आप लोगों का जो है यूटी है हमारी,
तो यहां पे हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है दोस्तों, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहां पे बनेंगे उनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा यहां पर आप लोगों के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, याद कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो मुझे बता देंगे। अरुणाचल प्रदेश का इस बार 50वें नंबर का, अरुणाचल प्रदेश का 50वें नंबर का क्या होने वाला है, तो अरुणाचल प्रदेश का 50वें नंबर का राज्य दिवस आप लोगों का मनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों का नियुक्त किया है। दोस्तों ये क्या है, मणिपुर है, मणिपुर के अंदर 18वें नंबर का कचई लेमन, जो कचई लेमन नाम का आप लोगों का है ना, कचई लेमन मेरे दोस्तों, तो कचई लेमन नाम का आप लोगों का एक मेरे दोस्तों क्या मनाया है, कचई लेमन नाम का एक आप लोगों का फेस्टिवल मनाया गया है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, सारी चीजें क्लियर हो रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है, अगर हम बात करेंगे आप सभी लोगों से, तो ये मेरे दोस्तों भारत ने जीतने के लिए किस टीम को हराया है, तो जब हम साउथ अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को जो है ध्यान से समझनी है। ठीक है, इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं हम, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो ये फुटबॉल चैंपियनशिप है, कौन जीता है, अपना भारत जीता है। और दोस्तों किसको हराया है, तो इन्होंने हराया है नेपाल को। तो साउथ एशियन चैंपियनशिप को किसने जीता है मेरे दोस्तों, भारत ने जीता है। हारने वाली टीम कौन है, नेपाल यहां पर हारने वाली टीम है, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जोनास गहर स्टोर ने मेरे दोस्तों, तो ये जो जोनास गहर है इन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है, तो ये मेरे दोस्तों कहां के प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है नॉर्वे के, और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। एक और बात ध्यान रखना है, जो मेरे दोस्तों ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है हमारा, ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, उसमें आप लोगों का जो नॉर्वे है वह नंबर वन है, और अपना जो प्यारा भारत है वह 18वें नंबर पर है। तो ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में नॉर्वे जो है आप लोगों का वो पहले नंबर पर है, ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वह आप लोगों का 18वां है। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री का नाम क्या है, काजा कलस, यहां पर एस्टोनिया की प्रधानमंत्री है, जो आपको यहां पर ध्यान में रखना है। सारी चीजें क्लियर हो रही है। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करेंगे, तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आप लोगों का जो नंबर वन है डेट इज आयरलैंड, आयरलैंड जो है वो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में नंबर वन है। सारी चीजें समझ में आ रही है, तो थम्स अप एक बार आप लोग मुझे दिखा सकते हैं, सारी चीजें आप लोगों को यहां पे क्लियर हो रही होंगी। एवरी सैटरडे आप लोगों की एक क्लास है, जो कि मेरे दोस्तों रात को 9:30 बजे चलेगी, करंट अफेयर की एवरी सैटरडे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट, तो मेरे दोस्तों जो माउंट हैरियट था उसका नाम बदल दिया अंडमान निकोबार ने, तो उसका नया नाम क्या है, माउंट निकोबार है, माउंट अंडमान है, माउंट अरुणाचल है, या माउंट मणिपुर है। तो जो माउंट हैरियट था आप लोगों का मेरे दोस्तों, उसका नाम बदल करके क्या हो गया है, माउंट मणिपुर हो गया है, क्या हो गया है, माउंट मणिपुर। दोस्तों सैडल पीक जो है वह आप लोगों की कहां की सबसे ऊंची चोटी है, तो जो सैडल पीक है आप लोगों की वह सबसे ऊंची चोटी आप लोगों की कहां की बनेगी, तो सैडल पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की है, कहां की है, अंडमान निकोबार की जो है वो सैडल पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज आप लोगों को यहां पे ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा, देखिएगा ये क्लीन अवर एयर, ठीक है, तो क्लीन अवर एयर एक मेरे दोस्तों इस कैटेगरी में अर्थ शॉर्ट प्राइज किसने जीता है, तो क्लीन अवर एयर कैटेगरी के अंदर अर्थ शॉर्ट प्राइज, तो ये क्लाइमेट चेंज पर्यावरण को लेकर के एक पुरस्कार है आप लोगों का, तो 2021 का जो अर्थ शॉर्ट प्राइज है आप लोगों का वह मेरे दोस्तों जीतने वाले कौन है, विद्युत मोहन, विद्युत मोहन, विद्युत मोहन, तो विद्युत मोहन जो है उसको मेरे दोस्तों क्या है जीतने वाले हैं, जिन्होंने ये आप लोगों का प्राइस जो है जीता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, ओके निकिता सिन्हा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में अध्यक्ष के तौर पर कौन चुने हुए हैं, तो वेट लिफ्टिंग में कौन है, मीराबाई चानू है,
कौन है, मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू ने इस बार हमारा सिल्वर मेडल जीता था, याद होगा आप सभी लोगों को। तो यहां पर कौन है हमारी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन में अध्यक्ष मेरे दोस्तों? तो आंसर बनेगा सहदेव यादव। क्या नाम बनेगा? सहदेव यादव बनेगा। यहां पर जो टीवी नरेंद्रन है ये हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो इंडियन इंडस्ट्री है उसके चेयरपर्सन है। नरेंद्र बत्रा जो है मेरे दोस्तों, तो नरेंद्र बत्रा जो है वो हमारा जो हॉकी है ठीक है उसके हेड है। और साथ में मैं आपको बता दूं जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके हेड भी नरेंद्र बत्रा है। ईसाई धर्म को अपना आधिकारिक धर्म अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो उस देश का नाम हमें बताना है जिसने ईसाई धर्म को आधिकारिक तौर पर सबसे पहले अपनाया था। तो यहां पर आंसर जो बनेगा आर्मेनिया बनेगा। दोस्तों आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? तो आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवरेन। क्या है? येरेवरेन जो है वो आर्मेनिया की कैपिटल है, उसको ध्यान में रखना है ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत ने किस देश की विकास परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है? तो किसने दिया? भारत ने दिया। कितना दिया है? 200 मिलियन आप लोगों का जो है वो अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है। कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तजाकिस्तान में या किर्गिस्तान में? तो जब भी आप लोगों से मेरे दोस्तों पूछा जाएगा कजाकिस्तान में। तो ये जो कजाकिस्तान है आप लोगों का, यहां पर भारत ने 200 मिलियन की अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता दी है। और दोस्तों जब आपसे कजाकिस्तान के बारे में पूछा जाएगा तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल निकल करके आएगी नूर सुल्तान। क्या निकल करके आएगी? नूर सुल्तान यहां पे कैपिटल के तौर पे निकल करके आती है, याद रखिएगा ठीक है। तो जब भी आप लोगों से बात करेंगे ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ईसाई धर्म को अपनाने वाला देश तो हो गया। दोस्तों विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? तो ये जो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस डे है ये 20 अक्टूबर को हम मनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यही कराया था, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का मेरे दोस्तों, तो यहां पर काफी सारे क्वेश्चन है जिनको ध्यान में रखना है। किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो मेरे दोस्तों जैसे महारत्ना होता है, मिनी रत्ना होता है, नवरत्ना होता है, तो अभी जो हमारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है इस पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्ना का स्टेटस मिला है, ये डायरेक्टली है। एकता दीक्षित किसके बारे में पूछ रहे हो कि क्या होता है, क्वेश्चन लिख दीजिएगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा उसी चीज पर ठीक है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये महारत्ना का स्टेटस इसको मिला है, याद रखिएगा। दोस्तों वर्ल्ड जो आप लोगों का आर्टिस्टिक डे है ये क्या है? तो विश्व गठिया दिवस जो है ये मेरे दोस्तों कब मनाया जाता है और इसका आप लोगों का थीम क्या है? तो जब भी आपसे गठिया डे के बारे में पूछा जाएगा तो आपका आंसर बनेगा 12 अक्टूबर ठीक है। और ये मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका जो आप लोगों का है डोंट डिले कनेक्ट टू डे टाइम टू वर्क ठीक है। तो गठिया दिवस की थीम क्या थी? डोंट डिले कनेक्ट टू डे टाइम टू वर्क, ये हमारी थीम है, याद रखिएगा ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अलेक्जेंडर स्केल वर्ग को किस देश का नया चांसलर बनाया गया था? तो जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, बनाया गया था ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को जो है ध्यान से समझनी है ठीक है। तो जल्दी से बता दो एक बार, अगर कोई डाउट किसी का है तो यहां पर ठीक है, तो आंसर कर दो फटाफट से। सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है, एक बच्चा कह रहा है आंसर आ रहे हैं, तो आंसर बिल्कुल आएंगे मेरे दोस्तों, बिल्कुल आएंगे आंसर ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं जो अलेक्जेंडर स्केल वर्ग है ये आप लोगों के जो चांसलर बनाए गए थे, जब हम इनकी बात में बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, तो ऑब्वियस आंसर क्या आएगा? ऑस्ट्रिया आएगा। लेकिन अभी नहीं है, अगर करंट में पूछेंगे कि भैया जो हमारा ऑस्ट्रिया है उसके आप लोगों के चांसलर कौन है, तो उसके चांसलर का नाम है कार्ल नेहमर। तो कार्ल नेहमर जो है वो हमारे नए चांसलर है ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? तो ये आप लोगों की वियना है, जिसको आप लोगों ने ध्यान रखना है ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, एकता दीक्षित सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही बताया था आज आपको, हड्डियों के लिए होता है ये दिन ठीक है। चलिए, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के राजनीतिक और
चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब राज्य सरकार ने यह कहा है कि भैया कोई भी एम्प्लॉय जो है वो आप लोगों का जो है चुनाव में भाग नहीं लेगा, वो वैसे भी लेता नहीं है, ठीक है, और कोई भी मतलब चुनावी किसी गतिविधि में भाग नहीं लेगा। तो आंसर जो बनेगा हरियाणा बनेगा, और हरियाणा में मेरे दोस्तों को क्या है, एक खेल नर्सरी भी शुरू की गई है। तो जो आप लोगों की खेल नर्सरी है मेरे दोस्तों, ठीक है, तो वो आप लोगों का जो है हरियाणा हरियाणा हरियाणा, उसको आप लोगों ने ध्यान में रखिया। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, हाँ अमित कुमार जी, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है, दोनों अलग अलग कंट्री है दोस्तों, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही है सारी चीजें। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने 12वें लघु वित्त बैंक के रूप में किसको लाइसेंस दिया है, तो जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है वह 12 है, तो कौन से को अभी हाल ही में लाइसेंस मिला है, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा, इसको आप लोगों का अभी हाल ही में लाइसेंस आप लोगों का जो है दिया गया है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला है, किस जानवर की प्रजाति को ढोले भी कहा जाता है, मतलब जो ढोले नाम की प्रजाति है वह आप लोगों की किस जानवर की है, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि ढोले नाम की जो प्रजाति है वह किस जानवर की है, तो एशियाई जंगली कुत्ता है, लकड़भग्गा है, आर्डवाइफ है, अफ्रीकी हाथी है, क्या है आप लोगों का। तो दोस्तों जो जानवर की प्रजाति है जब हम बात करेंगे इसी तरह की चीजों को, तो ये एशियाई जंगली कुत्ता है, मतलब जो ढोले नाम की प्रजाति है वो किसकी है, जंगली कुत्ते की प्रजाति है, जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। दोस्तों किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन सतर्क नाम से गश्त अभियान शुरू किया है, तो ये जो ऑपरेशन सतर्क है इसको शुरू किसने किया है, ठीक है, तो ऑपरेशन सतर्क को जम्मू कश्मीर ने, उत्तर प्रदेश ने, नई दिल्ली ने या गोवा ने। तो ध्यान से समझेंगे, जो ऑपरेशन सतर्क है ये गश्त अभियान कहां का है, नई दिल्ली का। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा कि सतर्क नागरिक नाम की एक ऐप है आप लोगों की, ये जम्मू कश्मीर की है, तो सतर्क नागरिक जम्मू कश्मीर है, ऑपरेशन सतर्क जो है नई दिल्ली है, नई दिल्ली का एक पेट्रोलिंग है पुलिस के द्वारा, और नई दिल्ली पुलिस मेरे दोस्तों दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनका नाम है राकेश अस्ताना, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो ट्यूनिशिया की अगर हम बात करेंगे तो जहां पे पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई है, हलीमा बिनते याकूब है, काजा कलस है, सना मरीन है, या नजला बोडेन रोमडाने हैं। तो जब मैं हलीमा याकूब की बात करूंगा ना, तो ये सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति है। काजा कलस की मैं बात करूंगा तो काजा कलस जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है, और सना मरीन जो है वो फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। तो बचा क्या, नजला। तो जब आपसे पूछा जाएगा ट्यूनिशिया की कौन है, नजला बोडेन रोमडाने, रजना बोडेन नो रोमडाने, ये हमारी ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है, जो आपको ध्यान रखनी है। अगला है, ईभा को किस खेल टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया है। तो आप लोग देखते हो कि जब भी कोई खेल आता है तो उसका एक मस्कट आता है, मस्कट होता है उसका शुभंकर, तो अभी अभी ईभा को लॉन्च किया गया है। तो ये ईभा क्या है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, जो इस बार हमारा फीफा वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है मेरे दोस्तों, ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है भारत में होगा। और कौन सा वाला, जो अंडर 17 वाला है, कौन सा, अंडर 17 वाला, तो उसका मेरे दोस्तों ये क्या है, शुभंकर है। तो फीफा अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप होगा उसका ईभा जो है शुभंकर है, याद में रखेंगे, ये अपना प्यारे भारत में ही होगा। कौन सी ई कॉमर्स कंपनी भारत में वंचित छात्रों को 20,000 डिजिटल डिवाइस प्रदान करेगी, तो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जो 20,000 डिजिटल डिवाइस प्रदान करेगी, तो देखिएगा इतनी फिक्र तो अम्मा को होगी, तो ये है अमेज़न। जो स्टूडेंट हैं जिनको चीजें नहीं मिल रही हैं और जो मतलब वंचित हैं इन सभी चीजों से, तो उनको 20,000 डिजिटल डिवाइस देगा अमेज़न, अमेज़न, अमेज़न। मस्कट होता है निकिता शुभंकर, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसको एक शुभंकर लॉन्च किया जाता है, गेम्स वगैरह में खास करके, याद रखेंगे। दोस्तों एमी हंटर दुनिया की सबसे कम उम्र की वनडे शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है, मतलब एमी हंटर ने दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इन्होंने मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो एमी हंटर किस खेल से संबंधित है, यह क्रिकेट से संबंधित है। शतक तो क्रिकेट में ही लगता है मेरे दोस्तों, शतक किस में लगता है, क्रिकेट में लगता है, तो ये क्रिकेट में ही है।
और जो मिताली राज है इस बार इनको 2021 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो मिताली राज को 2021 में खेल रत्न मिला है, जो हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है वो आप लोगों का मिला है। दोस्तों वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए IMF का विकास अनुमान क्या है, मतलब IMF का 2021 का GDP ग्रोथ कितना है, तो ये 5.9%। तो 2021 के लिए जो GDP ग्रोथ था IMF का, 2021 जा चुका है ठीक है, तो वो आप लोगों का 5.9% था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है। तो जब हम अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस के रूप में बात करेंगे तो ये हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को या 16 अक्टूबर को। तो जब भी ई वेस्ट की बात आएगी मेरे दोस्तों तो ये आप लोगों का कब आएगा, 14 अक्टूबर को। तो 14 अक्टूबर को ई वेस्ट डे होता है और 14 अक्टूबर को ही वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे होता है। और 14 और जो हमारा ई वेस्ट क्लिनिक है मेरे दोस्तों, ई वेस्ट क्लिनिक है यह हमारा भोपाल के अंदर है, यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, जरूरी है ठीक है। दोस्तों वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब आता है, तो जस्ट अभी तो मैंने आपको वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे बताया है, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो आता है वह 14 अक्टूबर को आता है, और जो 12 अक्टूबर को आता है वो होता है गठिया दिवस। क्या होता है, गठिया दिवस होता है। दोस्तों पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी पिलर्स, तो जो पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये कितने स्तंभों पर आधारित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गति शक्ति लॉन्च किया था, उसमें क्या था कि जितने भी रुके हुए इवेंट है या रुके हुए हमारी प्रोग्राम है उनको थोड़ा सा जल्दी किया जाएगा, एक दिशा प्रदान की जाएगी और सभी डिपार्टमेंट को इंटरनली जोड़ा जाएगा। तो गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आप लोगों के 6 पिलर लॉन्च किए थे। कितने पिलर लॉन्च किए थे, देवेंद्र कुमार बिल्कुल सही बता रहे, 6 पिलर लॉन्च किए थे। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, तो मिर्गी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जो मिर्गी के दौरे होते हैं, तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 16 को, 17 को, 18 को, 19 को। तो मिर्गी दिवस जो है ये हमारा मेरे दोस्तों हमारा 17 नवंबर को हर साल हम मनाते हैं, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर। तो नेशनल प्रेस डे जो आता है वह हमारा हमेशा 16 नवंबर को आएगा, ये बातें आप लोगों को यहां पे ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ग्रास जो हमारी कंजर्वेटरी है इनोग्रेटेड इन विच स्टेट, भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। तो भारत की पहली जो घास संरक्षिका है, मतलब वहां पे जो तरह तरह की घास है, ऐसी घास जो भारत में नहीं उगती है लेकिन उनका संरक्षण किया जाएगा वहां पर, ऐसी घास जो रेयरली मिलती है, तो पहली घास संरक्षिका का जो है वो आप लोगों का उत्तराखंड में किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा साथियों क्या, कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और कौन सा बैंक है जिन्होंने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च किया है। तो जो एनर्जी सेक्टर है हमारा, जो ऊर्जा क्षेत्र है, उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम है, जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और हमारा मेरे दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है दोनों ने मिलकर के किया है। तो एशियन डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया है, किस चीज में, महिलाओं की भागीदारी करने के लिए एनर्जी सेक्टर में। किस भाषा में एम मुकुंदम ने एक उपन्यास दिल्ली एसोलालिकी के लिए JCB पुरस्कार जीता है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि जो JCB पुरस्कार है वो एक लिटरेचर अवार्ड है, तो 2021 का ये किसको मिला है, एम मुकुंदम को मिला है। किसको मिला है, एम मुकुंदम को। कौन सी भाषा के लिए मिला है, मलयालम के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, मलयालम के लिए मिला है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जेनेट ब्रिटेन जिनको अभी ICC हॉल ऑफ फेम मिला है, तो ICC हॉल ऑफ फेम जो है ये सर्वोच्च सम्मान है ICC का। तो अभी किसको मिला है, जेनेट ब्रिटेन को मिला है। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इनको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, महिला जयवर्धने को
हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम मिला है। तो महिला जयवर्धने कौन से देश से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो ये दोस्तों श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में सॉन पोलक को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम मिला है, यह कौन से देश से बिलोंग करते हैं? यह साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है सुल्तानपुर में, किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने मेरे दोस्तों, या फिर आप लोगों के नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आप लोगों का जो है रामनाथ कोविंद ने, किसने किया है आंसर कर दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो एक ही बंदा है हमारा, ऐसा कौन है? तो हमारे हैं मेरे दोस्तों मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अगर आपसे पूछने लगे कि पूर्वांचल की लंबाई कितनी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340.8 किलोमीटर आप लोगों का लंबा है, ये जरूर आपको याद में रखना है क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी आप लोगों का जो है ये प्रश्न आप लोगों का बनता है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही है, कोई डाउट वगैरह है तो मुझे बता देंगे। 6 लेन है आप लोगों का, ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन हुआ है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में? तो आप लोगों का जो भादला सोलर पावर प्लांट है, भादला, वो कहां पर है? राजस्थान में है, उसी का उद्घाटन हुआ है भादला सोलर पावर प्लांट का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। केसर ए हिंद मेरे दोस्तों स्टेट बटरफ्लाई है, किसकी? तो केसर ए हिंद जो स्टेट बटरफ्लाई है अरुणाचल की है, त्रिपुरा की है, मेघालय या तेलंगाना? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट बटरफ्लाई है उसका नाम क्या है? केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस इज रिनेम्ड आफ्टर होम नेम, मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो पीछे फोटो भी देख रहे होंगे आप लोग, मनोहर पर्रिकर, पूर्व मुख्यमंत्री गोवा और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर के नाम पर मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस आप लोगों का जो है रखा गया है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने किशोर भारतीय भाई जो भाई थे बिहान और नव अग्रवाल को अपशिष्ट परियोजना के लिए बाल शांति पुरस्कार दिया है? तो दोस्तों ये जो हमारे एक विहान और नव अग्रवाल दो भाई हैं, तो यूनेस्को का जो चिल्ड्रन पीस प्राइज है वो इनको मिला है। ये दोनों दिल्ली से बिलोंग करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने T20 विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता था? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को मिला था? तो ये मिला था डेविड वॉर्नर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ध्यान में रखना। 50वां क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, जो सिटमैक्स है वो नाम का एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो जो सिटमैक्स है मेरे दोस्तों, ये हमारा इंडिया, बांग्लादेश, रसिया, या फिर इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड आप लोगों का, इंडिया, जापान, सिंगापुर है, तो सिटमैक्स है। अब सिटमैक्स में थाईलैंड तो जरूर आएगा, जब थाईलैंड जरूर आएगा तो बी ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा, यह ध्यान में रखना है। तो 50 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए, अगले 50 पे चलते हैं। कैसा लगा सेशन अभी तक बता सकते हैं सारी चीजों को, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लिया जाए, कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो, बच्चे पता नहीं कहां गायब है, पेपर के 10 दिन पहले पूछेंगे कि करंट अफेयर के लिए गुट्टी दे दो, तो पेपर के 10 दिन पहले भाई मैं नहीं पढ़ा सकता करंट अफेयर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ना कोई बच्चा पढ़ सकता है, अभी से पढ़ना पड़ेगा। जब पेपर आएगा ना 10 दिन पहले नोट्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन नहीं हम उनको कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो कोई भी डाउट है किसी भी तरह का पूछ सकते हैं। अगले 50 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मजा आ रहा है सारी चीजें, इतने अलग अलग चैनल पे कंफ्यूज होते हैं। सीके गौतम, अभी देखो कुछ चीजें हैं लेकिन अब जो मेरी क्लास होगी मैं आपको बताता हूं, कंफ्यूज नहीं होने देंगे। एसएससी डाउटनेट पर चलेंगी सारी क्लासेस, एसएससी डाउटनेट पर चलेंगी सारी क्लासेस, बस एसएससी डाउटनेट पर चलेंगी, याद रखिएगा।
ठीक है, तो ये है। उसके बाद है अगर हम बात करेंगे तो जो ये आप लोगों का जो है ध्यान से समझिएगा, डाउटनट पर चलेंगी और फिर सैटरडे को बस यहाँ पे होगी, एक क्लास सैटरडे को यहाँ पे होगी। ठीक है, चलिएगा। देवेंद्र जी कुमार है कि सर जी बैच खरीद के बच्चे फंस गए। देवेंद्र जी ऐसा आपका सोचना होगा दोस्त, ठीक है, और किसी का नहीं होगा, तो ये आपका सोचना होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं है, और किसी बच्चे के साथ में जबरदस्ती नहीं करता कोई भी बैच के लिए, तो ये आपका सोचना है, बाकी भरोसा मेरे पे है तो भरोसा टूटेगा भी नहीं। ठीक है, मैं इतनी बात आपको कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे फंस गए, टीचर उसमें पढ़ा नहीं रहा हो, टीचर उसमें मौज मस्ती कर रहा हो, कंटेंट दे रहा, भाई कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि 1 घंटे तक 2 ही प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, कंटेंट है तो कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कोई टीचर अकेला सिलेक्शन नहीं करवा देगा, सिलेक्शन के लिए तुमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी बातें आप बोलते हो तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से सोच के समझ के फिर आप बोला करो। ठीक है, बाकी भरोसा है तो भरोसा टूटने भी नहीं देंगे, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, चलिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं करता, ठीक, और पढ़ाना तो पड़ेगा। आप देवेंद्र जी का क्या हिसाब किताब है? देवेंद्र जी ये चाहते हैं कि 1 घंटे में 3 प्रश्न पढ़ाए जाएं और उन्हीं 3 को बार 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 किया जाए। तो दोस्त सिलेबस नाम की भी कोई चीज होती है जो सिलेबस करवाना होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं फटाफट से। ओके चलो, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के मैं नहीं कहता कि सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे साथ में हजारों बच्चे पढ़े हैं लेकिन हजारों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? जिसने मेहनत की उसका सिलेक्शन हो गया। कंटेंट मैं सही दे सकता हूं, मैं बढ़िया कंटेंट दे सकता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको दे सकता हूं, लेकिन वैसा तो नहीं कर सकता कि भैया आप लोगों को जो है आके कहते गुट्टी कोई खोल के पिला दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, और कोई भी नहीं पिला सकता। ठीक है, चलिएगा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सीओपीडी डे? तो जो सीओपीडी डे है इसकी थीम क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीओपीडी डे है ये 17 नवंबर को था। क्या था? 17 नवंबर को, और ये लंग से रिलेटेड है, तो हेल्दी लंग नेवर मोर इंपोर्टेंट। ठीक है, हेल्दी लंग नंबर नंबर है। ठीक है, चलिएगा, तो ये चीज आप लोगों को जो है, हेल्दी लंग नेवर मोर इंपोर्टेंट, ये क्या है? हेल्दी लंग नेवर मोर इंपोर्टेंट, ये आप लोगों का है। ठीक है, जब हम सीओपीडी डे की बात करेंगे तो वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज आप लोगों का जो है, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है, और ये लंग से रिलेटेड एक डिसीज होती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 17 नवंबर 2021 है दोस्तों। हॉट एयर बलून इवेंट जो है ये आप लोगों का, मेरे दोस्तों क्या है? हॉट एयर बलून इवेंट। तो हॉट एयर बलून आप लोगों का एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए है आप लोगों का, जिसको वाराणसी में किया गया था। कहां पे? वाराणसी में, वाराणसी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको इंपोर्टेंट है, मार्क कर लेनी है। उसके बाद है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्तों इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वॉयलेंस मतलब महिलाओं के खिलाफ होने वाली जो हिंसा है उसके अनुमूलन के लिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के अनुमूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह 25 नवंबर को हम मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर। ठीक है, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड में कौन सा शहर शीर्ष पर है? मतलब जो हमारा नीति आयोग है उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अर्बन इंडेक्स है उसको आप लोगों का जारी किया है, और जारी करने पे जो हमारा मेरे दोस्तों शिमला है वह नंबर 1 है, और फरीदाबाद जो है वह सबसे नीचे है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, आगे है। देवेंद्र जी का क्या कह रहे हैं? देवेंद्र जी को ना अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। देवेंद्र जी कहते हैं सीके गौतम जी मैं हिंदुस्तानी हूं, इंग्लिश नहीं जानता हूं। मतलब जो इंग्लिश जान रहा है वो हिंदुस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम इंग्लिश जानते हैं। तो अरे कभी उस इंग्लिश को, जिस इंग्लिश को पिछले 2 सालों से आप मेरे साथ में गा रहे हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, अगर डेली आधा घंटा उस इंग्लिश को पढ़ लिए होते ना तो ये नौबत नहीं आती आपकी। हर चीज क्या है देवेंद्र जी ने सामने वाले पे थोपनी है। एक बढ़िया स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, मेहनत करने वाले स्टूडेंट है, लेकिन जब स्टूडेंट, जब मैं अगर अपनी चीजें ना किसी दूसरे पे थोपने लग जाऊंगा ना तो तब पता है क्या होगा, तब कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अभी इनका क्या है, इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश पढ़ोगे तो आएगी ना, इंग्लिश पढ़ी कितनी है तुमने जो इंग्लिश नहीं आती होगी। ठीक है, हद ही करते हो मतलब।
जी देवेंद्र जी, आप स्टूडेंट हो, पुराने स्टूडेंट हो, लेकिन गलत चीज जब बोलोगे तो मैं गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसमें आपके साथ भी गलत है और हमारे साथ भी गलत है, ध्यान में रखिएगा उस चीज को, ठीक है। पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, मेहनत पे ध्यान दीजिएगा, और केवल मेहनत ही नहीं, बहुत सारी चीजें होती है जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। जितनी बार आपने पिछले एक साल में लिखा है ना इंग्लिश नहीं आती मैं हिंदुस्तानी हूं, उतना टाइम अगर इंग्लिश कोई दे दिया होता तो इंग्लिश ही आ जाती, याद रखिएगा। कल के दिन को बच्चे जब जाएंगे ना स्कूलों में और जब डायरी पढ़ने का नंबर आएगा तो तब भी क्या यही बोलोगे कि इंग्लिश नहीं आती है? हद ही करते हो, पढ़िएगा, ठीक है, चलिएगा, आगे चलते हैं दोस्तों। मणिपुर में रानी गेंदुलियो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की आधारशिला किसने रखी? तो मणिपुर के अंदर रानी गेंदुलियो जो ट्राइबल, मेरे दोस्तों अगर हमें बात करेंगे फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की आधारशिला किसने रखी? नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, लागनेशन ने? तो आंसर बन जाएगा अमित शाह। अमित शाह ने रानी गेंदुलियो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो है उसकी आधारशिला मणिपुर में रखी है, और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन वीरेन सिंह। क्या नाम है? एन वीरेन सिंह है, याद रखिएगा। दोस्तों भारत और विश्व बैंक के किस राज्य में सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए 250 मिलियन का लोन दिया है? तो दोस्तों देखो ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमारा एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, और वर्ल्ड बैंक ने इनके बीच में समझौता है 250 मिलियन डॉलर का, और दोस्तों प्रोग्राम का नाम है साल्ट। साल्ट प्रोग्राम जो है आप लोगों का वो सीखने के लिए है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आंध्र प्रदेश है, वर्ल्ड बैंक है आपका, 250 मिलियन है, और प्रोग्राम का नाम क्या है? साल्ट है, साल्ट है, साल्ट है, याद रखिएगा। इस बैंक ने निर्यातकों और आयातकों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है। तो एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड इमर्ज जिससे आया इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों के लिए वो प्लेटफॉर्म है, और उसको जारी करने वाला कौन है? आईसीआईसीआई बैंक, जिसके सीएमडी का नाम क्या है? संदीप बख्शी है, संदीप बख्शी है, याद रखिएगा। अब दोस्त देवेंद्र जी, तीन राजधानी नहीं है दोस्त, आंध्र प्रदेश की केवल एक ही राजधानी है जिसका नाम है अमरावती। सीके गौतम भाई, एचडीएफसी नहीं, आईसीआईसीआई बैंक होगा, याद रखिएगा, ठीक है, चलिएगा। अगर हम बात करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सागर शक्ति अभियान किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो जो सागर शक्ति है आप लोगों का ये कच्छ पेनिनसुला में किया गया है, जबकि आप लोगों का जो दक्षिण शक्ति है, कौन सा दक्षिण शक्ति है मेरे दोस्तों, ये हमारा लॉन्च किया गया कहां पर? ये लॉन्च किया गया था जैसलमेर में। तो जैसलमेर में दक्षिण शक्ति, और सागर शक्ति जो है कच्छ पेनिनसुला में किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे आता है 20 नवंबर को, 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रन डे होता है, जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों विश्व टेलीविजन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस जो है ये हम 21 नवंबर को मनाते हैं, जो टेलीविजन डे होता है 21 नवंबर को, और जो हमारा फिशरी डे होता है यह भी मेरे दोस्तों हमारा कब है? 21 नवंबर को है, जो हमें यहां पे ध्यान में रखना है। किस राज्य ने राज्य में गाय कल्याण के लिए एक कर योजना स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने राज्य में गाय कल्याण के लिए एक आप लोगों का टैक्स योजना है, टैक्स प्लान है, वो लेकर के आ रहे हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, असम है। तो मध्य प्रदेश में काऊ टैक्स लगाने की या काऊ वेलफेयर टैक्स लगाने की योजना पे काम चल रहा है, जबकि हरियाणा में काऊ टास्क फोर्स है। दोस्तों श्री कनकदास को श्रद्धांजलि देने के लिए 22 नवंबर 2021 को किस राज्य ने कनकदास जयंती मनाई? तो मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कनकदास जयंती के बारे में, तो ये जो कनकदास जयंती है इसको कर्नाटक ने मनाया है। किसने मनाया है? कर्नाटक ने मनाया है। मेरी रेगुलर क्लास एसएससी डाउटनेट पर होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एसएससी डाउटनेट पर मैं अपनी रेगुलर क्लासेस पढ़ाता हूं, तो वहां पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के किस संस्करण की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार है, तो 2021 में कौन से संस्करण की घोषणा की गई है?
तो सबसे पहले जो एमी अवार्ड है ये किसमें दिया जाता है, ये क्रिएटिव आर्ट में दिया जाता है। हाँ जी, आप डेली आते हैं, ये क्रिएटिव आर्ट में आता है और ये 49वें नंबर का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, एक घंटा क्लास चलेगी आरती जी। गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो गुरु तेग बहादुर जी का जो शहादत दिवस है वह 24 नवंबर है, और अभी नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में डिक्लेयर किया है। दोस्तों, पुस्तक इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनअपेक्षित डिप्लोमेटिक मेरे दोस्तों विन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया वर्सेज यूके जो किताब है वो आप लोगों की सैयद अकबरुद्दीन की किताब है। हमारे यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे सैयद अकबरुद्दीन, और टीएस त्रिमूर्ति जो हैं वो अभी मैं आप लोगों के यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उसको ध्यान में रखना है। चलिएगा, अगला है, हाल ही में खबरों में रहा जिज्ञासा कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो खबरों में रहा जिज्ञासा कार्यक्रम संबंधित है मेरे दोस्तों, ये किससे संबंधित है हमारा? तो ये दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, आर्ट से, स्पोर्ट से, न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो जो जिज्ञासा प्रोग्राम है आप लोगों का, ये साथियों साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का नाम क्या है याद रखिएगा। चलेगा, लेवल कोई भी हो संतोष कुमार जी, लेवल पार हो जाएगा यहीं से, एक ही क्लास से, ठीक है। तो जो जिज्ञासा प्रोग्राम है आप लोगों का, ये दोस्तों आप लोगों का किससे है? ये हमारा साइंस टेक्नोलॉजी से है। कनक दास की 15वीं शताब्दी के कवि थे, तो उनकी जयंती बनाई गई कहां पे? कर्नाटक में। तो कनक दास जी जो 15वीं शताब्दी के कवि थे, उनकी जयंती कर्नाटक में मनाई गई, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। दोस्तों जो आपका डेफिनेटली लीडिंग द वे, देखिएगा डीप वर्ड से ही पता लग रहा है, जिन्होंने अभी यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड जीता है, तो ये आप लोगों का डेफिनेटली लीडिंग द वे एक प्रोग्राम था। यूनेस्को पीस मीडिया प्राइज इन्होंने जीता है, और ये किसने जीता है? तो ये जीता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने इसको जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 का एमए पुरस्कार, तो एमए पुरस्कार दिया जाता है क्रिएटिव आर्ट में, और इस बार आप लोगों का 49th नंबर का ये पुरस्कार था। तो दोस्तों ये आप लोगों का जो है यहां पर मेरे दोस्तों क्या है आप लोगों का, तो डेविड टेनेंट ने ये जीता है, ध्यान में रखिएगा। लक्षित दिवस किस भारतीय राज्य द्वारा प्रति वर्ष मनाया जाता है? तो ये जो हमारा लक्षित दिवस है, ये प्रत्येक जो अगर आपसे पूछा जाएगा ये कहां पे मनाया जाता है, तो ये 24 नवंबर को असम के अंदर मनाया जाता है। लक्षित दिवस कहां का है? असम का है। आगे चलते हैं, द डिस्क्रिप्टर ये किताब का नाम है, द डिस्क्रिप्टर हाउ विश्व प्रताप सिंह, तो विश्व प्रताप सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, ठीक है। तो इस किताब को किसने लिखा है? देवाशीष मुखर्जी की ये किताब है, याद रखिएगा, जो कि बेहद जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो हमारी किताब है 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स जो किताब है, ये टीएस त्रिमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, तो 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स जो है ये मनीष तिवारी के द्वारा लिखी गई किताब है। दोस्तों किस भारतीय राज्य ने उच्च उत्पादन देने के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता आयोजित की है? तो किस भारतीय राज्य ने उच्च उपज उत्पादन देने के लिए उच्च स्तरीय गन्ने प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की थी? तो ये की थी मेरे दोस्तों, गन्ने के लिए कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा, योगी आदित्यनाथ। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस, तो इंटरनेशनल स्टटरिंग डे ये कब मनाया जाता है? तो जो इंटरनेशनल स्टटरिंग डे है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेरे दोस्तों आप लोगों का 22 अक्टूबर को, 24 नहीं 22 अक्टूबर को। तो स्टटरिंग डे जो होता है 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों मोल डे कब मनाया जाता है? तो मोल होता है तिल, तो जब हम तिल डे के बारे में बात करेंगे, ये 23 अक्टूबर है, और 24 अक्टूबर को आईटीबीपी का स्थापना दिवस आप लोगों का मनाया जाता है। दोस्तों रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारे जो केएल राहुल हैं उनको अपॉइंट किया गया है, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, याद रख लेना, ठीक है। दोस्तों एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कियारा एडवाणी, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, नूरा फतेही,
तो एडिडास में बनी है दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण और भी बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपके बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों अर्थ हीरोज अवार्ड किसको मिला है? तो अर्थ हीरोज अवार्ड जो मिला है वो मिला है पराविकुलम टाइगर रिजर्व को। तो ये जो पराविकुलम टाइगर रिजर्व है इनको मिला है अर्थ हीरोज अवार्ड, याद रखिएगा। और जो मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है उसको भी अर्थ हीरोज अवार्ड दिया गया है, याद में रखना है, मार्क कर लीजिएगा। हर शनिवार को आना है आपको, टाइम से चलिएगा। दोस्तों ई मुनेत्रम एक वेब पोर्टल है। ई मुनेत्रम जो है वेब पोर्टल, ये क्या है कि जितने भी प्रोजेक्ट है उनपे निगरानी रखी जाएगी कि भैया प्रोजेक्ट कितना हुआ, कहीं प्रोजेक्ट लटक तो नहीं गया। तो ई मुनेत्रम जो वेब पोर्टल है ये आप लोगों का कहां पे है? तमिलनाडु, 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 जो हमें ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड, जो लद्दाख का स्टेट एनिमल भी है मेरे दोस्तों, तो अगर इसके दिवस के बारे में बात करेंगे तो 23 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर को ही हम मॉल डे के रूप में भी जानते हैं, ध्यान में रख लेना, ठीक है। सरनजीत सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो जो सरनजीत सिंह थे जिनका निधन हो गया, हॉकी से रिलेट करते थे। एक हमारे बलवीर सिंह सीनियर थे, उनके नाम पर एक स्टेडियम बना है मोहाली के अंदर, वो भी हॉकी वाले हैं, मतलब नाम रखा गया उनके नाम पर, स्टेडियम पुराना ही था। भैया नाबार्ड ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रूरल एरिया में असम के लिए, तो मतलब जो रूरल एरिया है असम का उसके लिए नाबार्ड ने भारत सरकार को कितना पैसा दिया है? 806 करोड़ है, 650 करोड़ है, 608 है या 860 करोड़ है? तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 608 करोड़ रुपए असम सरकार को नाबार्ड ने दिया है असम के रूरल एरिया के लिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। विच कंट्री ने फीफा रैंकिंग में टॉप किया है? तो फीफा रैंकिंग में जो टॉप किया है वो अर्जेंटीना ने, फ्रांस ने, ब्राजील ने, बेल्जियम ने। तो अभी बेल्जियम था, ये रैंक चेंज होती रहती है आप लोगों की। दोस्तों वर्ल्ड आर्टिस्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्टिस्ट डे, अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस जो है ये 25 अक्टूबर को आता है, जबकि वर्ल्ड आर्ट डे जो है ये 15 अप्रैल को आता है। तो अगर वो कोई आपसे आर्ट डे के बारे में पूछेगा तो 15 अप्रैल है, और आर्टिस्ट डे जो है वह आपका 25 अक्टूबर है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, रिधिमा बीरेंद्र कुमार ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, स्वर्ण पदक जीता है, तो रिधिमा कौन से गेम से रिलेट करती है? तो रिधिमा जो है वो स्विमिंग से है। तो रिधिमा ने जो ये इस तरह के प्लेयर होते हैं पूछा जाता है कौन से गेम से हैं, तो रिधिमा वीरेंद्र कुमार जो हैं वो स्विमिंग से हैं, स्विमिंग से हैं, स्विमिंग से हैं, बस इतना याद रख लीजिएगा। दोस्तों पराविकुलम टाइगर रिजर्व को अभी हमारा अर्थ गार्डियन अवार्ड मिला है, तो पराविकुलम टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो अभी मैंने पढ़ाया था सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, और पराविकुलम जो मिलेगा वो हमारा केरल में मिलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला है मेरे दोस्तों, अभी हाल ही में किन कंट्रियों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? तो जो हमारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये बेसिकली काम क्या करती है, जो भी देश टेरर फंडिंग को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद के लिए पैसा देते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देते हैं, तो उनको ये शामिल करता है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में। पाकिस्तान 2018 से ग्रे लिस्ट में है। तो हाल ही में किस देश को इन्होंने शामिल किया है? तो मेरे दोस्तों बिल्कुल सही आपने पहचाना, टर्की को, नोट अफगानिस्तान, टर्की, 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 टर्की को अभी हाल ही में इन्होंने शामिल किया है, ठीक है। अगला है, किस शहर को मनोभ्रंश के अनुकूल शहर घोषित किया गया है? ठीक है, किस शहर को मनोभ्रंश के अनुकूल जो शहर है वो घोषित किया गया है? तो मनोभ्रंश मतलब जो लोग मेरे दोस्तों मनोभ्रंश की स्थिति में है, तो उनके लिए सबसे अच्छा शहर, उन लोगों को समझने के लिए सबसे अच्छा शहर जो है वो कोची है केरल का, ठीक है, जहां पे वाटर मेट्रो चलाई गई है। मनोभ्रंश के अनुकूल समुदाय एक ऐसा शहर, कस्बा या गांव है जहां मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों को समझा जाता है, उनकी बातों का सम्मान किया जाता है, मजाक नहीं उड़ाई जाती उनकी, उनका समर्थन किया जाता है, तो ये आप लोगों का जो है कोची है। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां संस्करण किसने जीता था? तो इंडियन प्रीमियर लीग का जो 14वां संस्करण है ये जीता था हमारा मेरे दोस्तों किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने। किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, याद रखिएगा। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार किस देश में भूख जो है सबसे उच्चतम है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा देश जो है सबसे नीचे है? सोमालिया। भारत का नंबर कितना है दोस्तों? 101 नंबर पर हम भारत वाले हैं, याद रख लेंगे हंगर इंडेक्स में। दोस्तों कौन सा देश अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है?
तो अपना जो स्पेस स्टेशन बना रहा है एक ही देश है मेरे दोस्तों, चाइना, चाइना, चाइना अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। स्पीक द चेंज यू विश टू सी, ये अगर आपसे पूछा जाएगा किस दिन का विषय है, तो स्पीक द चेंज यू विश टू सी, हमने अभी एक दिन पढ़ा था 22 अक्टूबर को, क्या था, इंटरनेशनल स्टटरिंग डे। तो जो इंटरनेशनल स्टटरिंग डे है आप लोगों का, इसी का थीम था स्पीक द चेंज यू विश टू सी, ये इसी दिन का विषय था, इसी दिन का विषय था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पोरेट अभ्यास का कौन सा संस्करण था, तो ये 37 संस्करण हो चुके हैं, तो कॉर्पोरेट अभ्यास के 37 संस्करण हो चुके हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में। दोस्तों विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड रेंजर डे जो है ये 31 जुलाई को मनाया जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है, रेंजर रेंजर रेंजर। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई के सहयोग से किस संगठन ने AI फॉर ऑल पहल शुरू की है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल एक सब्जेक्ट के तौर पे सीबीएसई के साथ में किसने शुरू किया है, इंटेल ने, जिसके आप लोगों के माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल ये एक सब्जेक्ट के तौर पे। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन है, तो नौसेना स्टाफ में जो है SN घोरमड़े हैं, कौन है, SN घोरमड़े हैं। एक और उप प्रमुख है, उनका नाम है रवनीत, क्या नाम है, रवनीत है। और दोस्तों विवेक राम चौधरी एयरफोर्स के हेड हैं, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, जारी जानकारी है। उसके बाद है, पूर्व क्रिकेटर माइक हेंड्रिक का निधन हो गया, वह कहां के थे, तो माइक हेंड्रिक बड़े फेमस क्रिकेटर थे इंग्लैंड के, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट के, ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग, अभी एक माउंटेनियर थे जिनका नाम था HPS अहलूवालिया, उनका दोस्तों निधन हो गया, तो दोस्तों अभी हम पूछ रहे हैं माउंटेन क्लाइंबिंग डे, तो माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त को है, याद में रख लेना, ठीक है, उस दिन लंग कैंसर डे भी मनाया जाता है। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में कितने करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है, तो जो आयुष्मान भारत योजना है जिसके अंदर फ्री इलाज है मेरे दोस्तों 5 लाख रुपए तक का भी, ठीक है, तो वो आप लोगों का जो है, अगर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे तो ये आप लोगों का जो है इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, तो कोई डाउट आप लोगों का हो तो वो मुझे आप लोग जो है बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का मेरे दोस्तों किसके तहत है, तो आप लोगों का यहाँ पे जो है, जब हम परिवारों की बात करेंगे तो आप लोगों के जो परिवार हैं उनको शामिल किया गया, 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, याद रख लेंगे, ठीक है, तो 10 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किस राज्य के राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया गया है, तो मिशन निर्यातक बनो राजस्थान का है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आज के 100 क्वेश्चन थे, अगले हफ्ते फिर 100 क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे आप सभी लोगों के लिए, कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ में एक डिस्कशन किया, एक मैंने आप लोगों को बताया, मेरी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो SSC डाउटनट पर मिलती हैं, ठीक है, सुबह 7 बजे और 12 बजे, सुबह 7 बजे और 12 बजे एक टॉपिक के साथ में मैं आपको मिलता हूँ, तो कोई डाउट वगैरह है तो मुझे यहाँ पर आप लोग जो है बता सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। चलिएगा, मिलते हैं मेरे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।